नमस्कार सारे भाई, राम राम भाई। आज हम लेकर आए करनाल के राहगीर कार्यक्रम में, और आज जो राहगीरी की टीम है वो मना रही है भाई वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2019। और आज का जो डे मनाया जा रहा है वायलेंस अगेंस्ट वोमेन के जो थीम बनाई है राहगीरी की टीम ने, उसको भी आज मनाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए इस राहगीरी की टीम में और करनाल की जो टीम है राहगीरी की, वो देश में पहले नंबर पर है भाई। सबसे बढ़िया प्रोग्राम यहाँ कराए जाते हैं, तो आज थोड़े प्रोग्राम मैं कवर नहीं कर पाया, थोड़ा लास्ट से टाइम पे ही पहुँच पाया मैं। तो भाई चलो रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे चोला रंग दे बसंती चोला इसमें कानून के साथ साथ हमें लोगों की मानसिकता को भी बदलना होगा, उनकी सोच को भी बदलना होगा, एक आपसी सद्भाव की सोच, एक आपसी भाईचारे की सोच को बनाना होगा। मैं निवेदन करूंगा डीएमसी साहब से एक मिनट के लिए वो इन दोनों विषयों पर थोड़ा सा संदेश दें। दो मिनट बैठो। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आप सबको बताया गया कि आज का जो दिन है, आज की जो राहगीरी है वो समर्पित है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। और हाल ही में टेलीविजन दिवस जो है वो था, आज की राहगीरी हमने समर्पित की है इन दोनों विषयों को, और यानी कि दोनों का सीधा संबंध है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं जितने भी हमारे फिल्म निर्माता हैं या दूसरे जो धारावाहिक निर्माता हैं, वो सभी उस तरह की विषय वस्तु अपने धारावाहिक में, अपनी फिल्मों में रखें जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। आज की हमारी जो राहगीरी है उससे हम यही संदेश देना चाहते हैं। दूसरा संदेश भारत की आधी आबादी जो है उसके लिए है कि पूरा विश्व वचनबद्ध है कि हम महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उस हिंसा को रोकें, उस हिंसा को समाप्त करें। और मैंने कभी एक बात लिखी थी कि नारी दशा राष्ट्रीय दशा का प्रतिबिंब है। अगर किसी देश की दशा का हमें सही सही अंदाजा लगाना है तो हम जाके ये देख लें कि उस देश में महिलाओं की क्या दशा है, तो हमें पता लग जाएगा उस देश के क्या हालात हैं। एक सही पैमाना है अगर किसी देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, चाहे राज्य है चाहे वो शहर है, अगर वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं का विकास हो रहा है, महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं अग्रणी हैं, तो हम ये मान लें कि निसंदेह वो क्षेत्र विकास विकसित क्षेत्र है। और हम सबको भी ऐसा वचन देना चाहिए और ऐसा प्रण लेना चाहिए कि कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी किसी तरह की हिंसा होती है तो हम उसे रोकें, उसके खिलाफ कदम उठाएं, और खुद भी ये प्रयास करें कि समाज में ऐसा कोई भी माहौल पैदा ना हो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जा सके। और हम सब भी वचन दे भी और प्रण लें कि हम भी महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा ना करेंगे और ना उस हिंसा में शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राहगीरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। यही समापन होता है, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। इसके लिए पर मत फेंकना, भारत माता की।
वंदे वंदे। इंफॉर्मेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पुलिस विषय को समर्पित रहे हम लोग महत्वपूर्ण विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पहले बता रहे हैं जो हमें बहुत अच्छे सिखाता है हमारे समाज का निर्माण करने में एक अहम भूमिका है और अच्छी विषय वस्तु क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर पवन राहगिरी का एक्टिव मेंबर हूँ और लास्ट 4 इयर्स से मैं राहगिरी का मेंबर हूँ। हमारे राहगिरी को 4 इयर्स हो चुके हैं और हमारे करनाल के लिए एक बहुत खुशी की बात है। हमारी करनाल की राहगिरी पूरे इंडिया में नंबर वन राहगिरी है जो रेगुलर चलती है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमारी राहगिरी में होती है करनाल में। तो आज का प्रोग्राम कैसा रहा? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। हम हर वीक कोई ना कोई नया मैसेज देते रहते हैं। आज हमने नया मैसेज वीमेन वायलेंस के अगेंस्ट जो इंडिया में वीमेन वायलेंस क्रिएट करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का प्लान बनाया है, पथ लिया है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। दूसरा, आज दूरदर्शन डे के ऊपर भी हमने लोगों को मैसेज दिया। आज दूरदर्शन डे भी सेलिब्रेट किया और वीमेन वायलेंस के अगेंस्ट भी लोगों को जागरूक किया। तो आज लोगों ने मतलब कितने लोगों ने मतलब इस प्रकार से वो किया कि अच्छा लगे और प्रोग्राम में राहगिरी में हर वीक अबाउट मोर देन 5,000 पीपल शिरकत करते हैं, पर आज की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। आज ज्यादा स्ट्रेंथ थी। आज कुछ नया क्रेज राहगिरी में देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने हरियाणवी डांस, योगा, देशभक्ति से रिलेटेड बहुत सारी अपनी परफॉर्मेंस दी और आर्चरी की भी विशेष स्टेज रहती है और आज क्रिकेट भी अलग से शामिल किया गया। पहले छोटे बच्चों के लिए रहता था लेकिन आज क्रिकेट का विशेष प्रोग्राम रहा और मटका रेस भी हुई और शूटिंग भी हुई, आर्ट क्राफ्ट भी, बहुत सारी एक्टिविटी। टाइमिंग क्या रहता है मतलब जैसे सुबह का? अभी मॉर्निंग से 7 to 9:45 का टाइम। सर्दियों में? हाँ सर्दियों में। और गर्मियों में क्या है? गर्मियों में 6:30 to 8:30। अच्छा, मतलब 9 बजे तक तो मतलब खत्म ही हो जाता है? हाँ 9 बजे तक। मोस्टली सारे बच्चों को हम पार्टिसिपेट करवा देते हैं। अगर बच्चे ज्यादा हो जाए तो थोड़ी परफॉर्मेंस को छोटा कर देते हैं, नहीं तो रेगुलर चलता ही रहता है। फिर भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे रह ही जाते हैं, इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। चलो जी, धन्यवाद। राहगिरी और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डांसिंग, बच्चों के गेम्स, योगा, छानेबाजी, जिमनास्ट, कबड्डी, तीरंदाजी और पेंटिंग, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर। तो मैं सभी संदेश दूंगा सभी करनाल वासियों को कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, राहगिरी का आनंद उठाए, मस्ती करें, इंजॉय कीजिए। आज के समय में मतलब लोगों के पास समय नहीं निकाल पा रहे, क्या बात है कि टेंशन इतने लोगों के पास है कि ये एक एक संडे लगाते हैं जैसे प्रोग्राम में मतलब टेंशन फ्री का, तो इसमें भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। समय तो निकालना चाहिए। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भी खुशी मिलती है, पॉजिटिव खुशी मिलती है, वो खुशी ले लेनी चाहिए और उसके अंदर पूरी भागीदारी करनी चाहिए, लोगों को आना चाहिए जहाँ भी समय लगता है। तो आज भी एक अच्छा मंच है, सरकार ने एक अच्छा मंच दिया है, इसका एंजॉय करें, मस्ती करें, शासक की राह करें और समय तो निकालना पड़ता है। देखो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, पाबंदी नहीं है ना, गेम भी इतने सारे हैं यहाँ पे, प्रोग्राम भी इतने सारे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई मतलब कोई भी गेम हो या कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सब प्रकार के गेम है, आप आइए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और सभी का स्वागत है। ठीक है सर, धन्यवाद।